दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। सोशल मीडिया कितना ताकतवर है, इस छोटी सी बच्ची के वायरल होने के बाद देखिए एक बार फिर से साबित हो गया। यह है झारखंड कोडरमा में डीसी और एसपी से सीधा टकराने वाली, छठी में पढ़ने वाली समा परवीन। समा परवीन की वायरल वीडियो किसी न्यूज चैनल में अभी तक नहीं चली है, केवल सोशल मीडिया में इस बच्ची ने ऐसा तूफान मचा दिया कि हर कोई इसे शाबाशी दे रहा है। छठी में पढ़ने वाली एक सांस में समा परवीन अपने पिता के लिए ऐसा बोली कि सुनने वाले बस सुनते रह गए। मेरे पापा पर ये झूठा मुकदमा पे केस हुआ है, केस वापस नहीं होगा तब तक मैं यही रहूंगी। मेरे पापा मुकदमा हुआ है तेरे पापा पर? मेरे पापा पर झूठा मुकदमा में केस हो गया। मेरे पापा एसपी साहब को दो बार आवेदन दे चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हुआ क्या, और मेरे अंकल को भी जेल भेज दिया गया। क्या पुलिस केस तक जांच नहीं करेगी, सबको अंदर ले जाएगी। हम लोग भी रोड जाम करेंगे, हम लोग भी अंदर चल जाएंगे, सभी को जेल भेज दीजिए। समा आगे भी बहुत कुछ बोली है, लेकिन वो बात आपको मैं सुनाऊं उससे पहले पूरा मामला आपको समझना पड़ेगा। हुआ ये कि झारखंड के डिबरा स्क्रैप बीनने पर प्रशासन ने रोक लगा दी, मतलब प्रशासन ने स्क्रैप इकट्ठा करने वालों पर चोरी का मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिया। इसमें हुआ ये कि समा के पिता और चाचा पर भी केस दर्ज हो गया चोरी का। इसको लेकर मजदूर संघ उपायुक्त ऑफिस में पिछले कई दिनों से धरना दे रहा था। जब धरने का चौथा दिन हो गया तो डीसी आदित्य रंजन और एसपी कुमार गौरव से उनकी बातचीत होनी थी। उसी धरने के चौथे दिन समा परवीन वहां प्रशासन पर खड़े होकर सवाल करने लगी और कह दिया कि क्या केवल डीसी एसपी के बच्चे पढ़ेंगे, मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। ढीबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी गहराई है इस छठी में पढ़ने वाली समा परवीन की इस बात पर कि क्या केवल डीसी एसपी के बच्चे पढ़ेंगे, मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। कैमरे पर जिस तरह से उंगली दिखा दिखा कर परवीन ललकार रही थी, मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक मेरे पापा को नहीं छोड़ते, बार बार हड़कार रही थी प्रशासन को। परवीन की ललकार ने सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया, ऐसा तहलका मचाया कि मजदूर संघ से प्रशासन को बातचीत करनी पड़ गई। न केवल बातचीत करनी पड़ गई बल्कि मजदूरों की मांगे मान ली गई। बाद में पुलिस ने स्क्रैप चुनने वालों पर कार्रवाई करना बंद कर दिया। खड़े खड़े बड़े बड़ों को तेज तर्रार जुबान से हड़काने वाली समा परवीन बड़े होकर आईएएस बनना चाहती हैं। अपने स्कूल में, अपनी क्लास में पढ़ने में भी बहुत अच्छी हैं, मेधावी हैं। लेकिन समा परवीन नाम की छोटी सी बच्ची ने गरीब होने के बाद भी मजबूर होने की जगह मजबूत होना चुना, और ये इस लोकतंत्र की सेहत के सबसे सुखद संकेत हैं।